हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। जिंदगी में दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना बहुत जरूरी है। जिनके पास बहाने नहीं होते हैं करने का, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। किताबों से लगाव रखिए दोस्त, विश्वास मानिए, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। सत्य के खोज में हूँ, इसलिए शांत और मौन हूँ। राहगीर हूँ मैं सच का, इसलिए खुद में ही व्यस्त हूँ। जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनके सपनों में जान होती है, वे कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको खुशी मिलेगी। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी अंदर मिट्टी में दबाए है, वह मिट्टी का सीना चीर कर उग ही जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे निकल ही जाता है। आप खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मुस्कुराने की वजह ना ढूंढ तू, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी वे वजह भी मुस्कुरा कर तो देख, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत कम ही लोग करते हैं। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में दो बार सही समय दिखाती है। जीवन में सबको दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए अपने वक्त को सोच समझ कर खर्च करें। आपका मौन रहना उस व्यक्ति के लिए आपका सबसे अच्छा उत्तर है, जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। जिंदगी में हमेशा सही के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेला ही क्यों न रहना पड़े। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। जिंदगी में आप कुछ ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। दोस्त, पढ़ना आसान मत समझना, पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप सोचते हो, उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, वो एक दिन सूर्य बन के निकलता है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उस